94 न्यूज, हम बनेंगे आपकी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं एक्सपो सेंटर 94 न्यूज़ के साथ। आप देख रहे हैं मेरे साथ पेंटर्स एंड स्पोर्ट्स के डायरेक्टर साहब खड़े हैं, मिस्टर सुहेब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, कैसा लगा आपको यहाँ पे एक्सपो सेंटर में आकर? आज तो फर्स्ट डे है, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स लगा है थ्रू आउट। आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट देयर इज अ लॉट ऑफ लोकल वेंडर्स कमिंग इन, जिन्होंने सबने स्टॉल्स लगाए हुए हैं। देयर इज न्यू कार्स बीइंग लॉन्च्ड, सो फाइनली आफ्टर कोविड आई फील दैट द इकॉनमी स्टेबलाइजिंग and I feel there's a very positive approach and response from the people that we're meeting over here. So so far so good, let's see how it turns out. Okay, can you please describe me the painters of sports? What is this? It's a rubber, I don't know, what is this rubber? So I'll tell you briefly. Basically Panther Sports and Rubber Industries was formed in 1991. It was initially a subsidiary of Panther Tires, and when the automobile sector, like, we branched out, तो माय फादर मियां वकार अहमद बेसिकली स्टार्टेड पैंथर स्पोर्ट्स इन 91। वी मैन्युफैक्चर रबर पार्ट्स फॉर ऑटोमोबाइल, वी मैन्युफैक्चर बाइसिकल टायर्स इन ट्यूब्स, एंड वी आल्सो मैन्युफैक्चर ऑटो पार्ट्स फॉर व्हिच वी आर प्रेजेंटिंग राइट नाउ। बेसिकली ये आप देखें, जिस तरह साउंड डेडनिंग पैनल्स हैं, दीज आर बीइंग सोल्ड टू ऑल द मैन्युफैक्चरर्स इन पाकिस्तान, एंड देयर इज डिफरेंट टाइप्स। कोई टेप एडहेसिव पार्ट्स हैं, कोई साउंड एडनिंग है, लाइक विद डिफरेंट एडहेसिव्स ऑन इट। सो इट रियली डिपेंड्स ऑन कि कंपनी टू कंपनी में क्या डिमांड होती है। वी कैटर टू एवरी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर विद इन पाकिस्तान। इट्स मीन कि आप बताना चाह रहे हैं कि ये जितना भी रबर्स का जो पार्ट्स हैं, ये गाड़ियों में, ऑटोज में और तमाम स्पोर्ट्स की चीज़ों में यूज़ होता है, ठीक है? यानी कि हमारे पाकिस्तानियों को जो है वो खुले तौर पे मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हमारी जो पाकिस्तान की जितनी भी इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा आगे जा रही है और बहुत ज़्यादा तरक्की भी कर रही है माशाल्लाह से। तो मैं आपसे सबसे कहूँगी कि एक्सपो सेंटर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले स्टोर पर। थैंक यू जी। तो नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं चियोडा कंपनी के सीईओ एंड डायरेक्टर मिस्टर अमाज साहब। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इनकी कंपनी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बताएं कि मुझे आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी मोटर व्हीकल्स हैं और ऑटो लैम्प्स हैं, इनके बारे में बताएं। हमारे पास ऑटोमोटिव बल्ब्स हैं ऑल टाइप्स, जिसमें बाइक्स, कार, ट्रक, बसेस, सब किस्म के हमारे पास हर किस्म के बल्ब आपको मिलेंगे OEM स्टैंडर्ड के मुताबिक। सर ये आप बताएंगे कितने लॉन्ग टाइम के लिए, एक्स्ट्रा लॉन्ग टाइम के लिए है या स्टैंडर्ड है क्या? हमारा एक मोटो है OEM स्टैंडर्ड, एक्स्ट्रा लॉन्ग लाइफ, एक्स्ट्रा फास्ट लाइफ। ये हमारे तीन पॉइंट्स हैं हमारे बोर्ड पे और हर जगह यही लिखे हुए होते हैं। ये हम जो स्टैंडर्ड होते हैं इनके स्टैंडर्ड आवर्स के मुताबिक ये पूरे पूरे काम करते हैं। ये काफ़ी कुछ यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं, आप देख सकते हैं छोटे छोटे जो हैं ये बल्ब भी हैं, मोटर बाइक्स में लगते हैं और गाड़ियों में, व्हीकल्स में, तमाम जितनी भी व्हील्स हैं उनमें ये लैम्प्स चलते हैं। ये ऑटो लैम्प्स हैं, चार्जेबल हैं या फिर ये बैटरी के साथ चलते हैं? ये बैटरी के साथ चलते हैं, जिस तरह किसी गाड़ी के अंदर कोई बैटरी के साथ होते हैं कनेक्टेड, कोई मैग्नेट कॉइल के साथ होते हैं, जिस तरीके से गाड़ियों में लाइट चलती हैं उस तरीके से होते हैं। सर इनकी क्वालिटी कैसी है, इसके बारे में बताएं। ये OEM स्टैंडर्ड हैं और OEM ही यूज़ करता है इनको सारा। आपकी कंपनी जो है इस वक्त पाकिस्तान में किस जगह पर मौजूद है? हमारी लाहौर में, कराची में, अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर, कराची, पूरे पाकिस्तान में। आप टोटल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या आपकी फैक्ट्री है या आप होल सेल कर रहे हैं, क्या कार मुझे आप पूरे अपनी डिटेल्स? हम मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं, इम्पोर्ट भी कर रहे हैं, दोनों चीज़ें कर रहे हैं। मुझे ये बताएं एक्सपो सेंटर में आके आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लगा, हम पहले भी आते रहे हैं, अब दोबारा आए हैं, अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। आप
मीडिया को और अपनी तमाम आवाम को ये बताना चाहेंगे कि न्यू जनरेशन को कैसा काम करना चाहिए? बहुत अच्छा काम करें कि आपका नाम बने, क्वालिटी पे काम करें। हमारे यहाँ क्वालिटी पे काम लोग नहीं करते, क्वालिटी पे काम करने की कोशिश करें, लोगों को अच्छी चीज़ दें, पैसे ले रहे हैं तो अच्छी चीज़ भी दें। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका जी। तो हम लोग मौजूद हैं इस वक्त वहाब ब्रदर्स स्प्रिंग्स के स्टॉल पे। यहाँ पे बहुत प्यारा सा इन्होंने सेटअप लगाया है, तो मैं बात करती हूँ इनके डायरेक्टर मैनेजर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इब्राहिम। इब्राहिम, मुझे ये बताएं कि जो वाहिद ब्रदर्स स्प्रिंग्स हैं, इसके बारे में आप मुझे ब्रीफ करें कि किस तरह के स्प्रिंग्स हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। ठीक है, ये एक वाहिद ब्रदर्स स्प्रिंग थर्ड जनरेशन रिओन्ड कंपनी है और शेखपुरा रोड के ऊपर हमारा सेटअप है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो ऑटोमोटिव पार्ट्स के रिलेटेड जितने स्प्रिंग्स हैं वो हम कवर कर रहे हैं, कंप्रेशन स्प्रिंग, एक्सटेंशन स्प्रिंग, जैसे कि आप इसमें हमारे पास देख सकते हैं। बाकी OEM कंपनीज के साथ काम करते हैं, लोकल मैन्युफैक्चर, चाइनीज मैन्युफैक्चरर मार्केट की जितनी डिमांड होती है स्पेयर पार्ट्स के रिलेटेड वो हम चीज़ें कवर कर रहे हैं। आज अब एक्सपो सेंटर में आए, आपको कैसा फील हो रहा है? नहीं, बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो फर्स्ट टाइम एग्जिबिट कर रहे हैं हम लोग, तो आगे इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करे। फर्स्ट टाइम आए? हाँ जी, फर्स्ट टाइम। तो कैसा आपको एक्सप्रेशन मिला है यहाँ पे, किस तरह का आपको माहौल लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, तो आगे अल्लाह कामयाबी दे हमें। और मुझे ये बताएं कि ये जितने भी स्प्रिंग्स हैं ये आपकी अपनी फैक्ट्री में से ये मैन्युफैक्चर हो रहे हैं? जी, कंप्लीट इन हाउस हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग है, हमारे टोटल इन हाउस प्रोडक्शन है अपनी, और डेवलपमेंट वगैरह ईच एंड एवरीथिंग CNC कंप्यूटर से मशीन्स होती हैं उनके ऊपर हमारी। न्यू जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? न्यू जनरेशन को मैसेज यही है कि स्टडी के बाद आप काम के ऊपर फोकस करें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो चाइनीज़ बायर्स यहाँ पे हैं, उनको हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए ताकि आप यहाँ देख रहे हैं कितने चाइनीज़ आए हैं, तो आप उनको देख के इसमें भी आपको ज़्यादा आती है एनर्जी के भाई हम लोगों को भी पाकिस्तानियों को पीछे नहीं रहना चाहिए। अच्छा, नहीं रहना, बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट कॉल पर। जी तो अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ मौजूद हैं संभा कंपनी के CEO, इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप मुझे बताएं कि कंपनी प्रोफाइल के बारे में, मैन्युफैक्चरर एक्सप्लोर के बारे में। हम वी आर इंजन वाल्व मैन्युफैक्चरर, वी आर मैन्युफैक्चरिंग ऑल सॉर्ट ऑफ इंजन वाल्व फॉर मोटरसाइकिल, रिक्शा, कार, ट्रक, बसेस, जनरेटर, ट्रैक्टर, एंड वी आर एक्सपोर्टिंग 3-4 कंट्री ऑफ in Iran, Afghanistan, Bangladesh, UAE, Saudi Arabia. सर अपनी क्वालिटीज के बारे में बताएं ना। क्वालिटी पे हम कंप्रोमाइज नहीं करते, हमारी क्वालिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में। सर ये जो जितनी भी प्रोडक्ट है आपकी कंपनी की, ये जितने भी वेल्व्स हैं इनके बारे में बताएं, 2023 से और जो आपके आप लेटेस्ट आए हैं उनके बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में। हमारी प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट हमारी इंजन वाल्व है और वाल्व गाइड। हम ये मित्सुबिशी, हिनो, मज़्डा, हुंडई, शेवरलेट, सुजुकी, बर्कन, मिलर ट्रैक्टर, अलगाली ट्रैक्टर, सुजू, निसान, टोयोटा, तमाम गाड़ियों के। सर पाकिस्तान में आपकी जो कंपनी है किस जगह पे? हमारी कंपनी है मोमनपुरा दरोगा वाला में। मोगलपुरा दरोगे वाला में? मोमनपुरा। अच्छा, मोमनपुरा में, दरोगा वाला। तो यहाँ एक्सपो सेंटर में आके आपको कैसा लग रहा है? अच्छी रिस्पॉन्स आ रही है, काफ़ी लोग आ रहे हैं और हमारी प्रोडक्ट को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि बहुत अच्छे आपकी प्रोडक्ट है, इंजन वाल्व हैं, कुछ ने ऑर्डर भी दिए हैं, कुछ एक्सपोर्ट अपने कस्टमर के लिए फ्री सैम्पलिंग भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम दे सैंपल फिर। अच्छा, और आज का पहला दिन है आपका, इससे पहले भी आप आते हैं? हाँ जी, हर साल जब भी ऑटो शो होता है हम आते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट कॉल पे। जी तो आज हम मौजूद हैं सुपर टेक की बहुत ज़बरदस्त स्टॉल पे, मेरे साथ मौजूद हैं हमारे ऑपरेशन मैनेजर मिस्टर शारिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अलग। सर बताएं कुछ सुपर टेक के बारे में। बेसिकली वी आर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान और हम टू व्हीलर के अंदर जो है अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास बहुत सारी प्रोडक्ट हैं टू व्हीलर इंडस्ट्रीज़ के अंदर। हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वी आर कराची बेस्ड कंपनी, कराची में हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जिसके अंदर हम मफलर, साइलेंसर जिसे हम कहते हैं, रिम, निपल स्पोक,
और इसके अलावा GS150 का साइलेंसर कंप्लीट, इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है ना वो हम इधर ही करते हैं कराची के अंदर। हमारा अपना ब्रांड है और हम डिफरेंट जगहों के ऊपर जो है वो ट्रेडिंग भी करते हैं। हमारे ब्रांड के अंदर जो है लोकल लोगों को जो है वो इजीली पार्ट्स अवेलेबल होते हैं, जो बाहर से ख़रीदने पड़ते थे लोगों को वो अब पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल हैं। हमारी क्वालिटी जो है वो हमारा मयार है बेसिकली। सर ये रिम है और इसमें मैं ये कुछ ये देख रही हूँ व्हील्स भी हैं और ये सिलेंसर्स हैं, ये बाइक साइकिल में और बाइक में सब में यूज़ होते हैं। ये जो रिम है ये बेसिकली CD70 मोटरसाइकिल के हैं, इसके अंदर यामा के रिम भी हमारे पास होते हैं, इसके अलावा पार्क सुजुकी के रिम भी हमारे पास होते हैं, GS150 के रिम। तो रिम के अंदर तमाम वराइटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके अलावा निपल स्पोक की तमाम वराइटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं। साथ में हैंडल जो आप देख रही हैं ये भी हैंडल भी तमाम बाइक जो पाकिस्तान में इस वक्त अवेलेबल हैं सारे तमाम बाइक्स के हैंडल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। आपको कैसा लग रहा है एक्सपो में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है, लाहौर और पंजाब का फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो माशाल्लाह यहाँ पे बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ से कुछ ना कुछ जो है ना बूस्ट लेकर जाएंगे कराची इंशाल्लाह। मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहती हूँ, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हम लोग मौजूद हैं एक्सपो सेंटर में, हमारे साथ मौजूद हैं सर मोहम्मद आरिफ साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। सर ये मुझे बताइएगा इंजीनियरिंग के हिसाब से जो आपकी ये हीट ट्रीटमेंट है इसके बारे में बताएं कुछ। जी चिनाब इंजीनियरिंग वर्क्स एंड फाउंड्रीज प्राइवेट लिमिटेड बेस्ड इन फैसलाबाद, एक रिनाउंड नेम है मैनुफैक्चरिंग में। तो हम बहुत सारे मेटल पार्ट्स, ऑटोमोटिव पार्ट्स और दूसरे कुछ पब्लिक सेक्टर इदारों के लिए पार्ट्स जो है ना वो मैनुफैक्चर करते हैं। इसमें हम जो हैं वेंडर्स हैं मिलर ट्रैक्टर के भी और अलगाज़ी के भी। हमारा ये जो स्टॉल है ये स्पेसिफिकली डील करता है हीट ट्रीटमेंट को। अभी हमने नया प्लांट जो है वो इंस्टॉल करवाया है 1.5 टन का कैपेसिटी का, जो कि प्राइवेट सेक्टर में शायद सबसे बड़ा हीट ट्रीटमेंट का प्लांट है। उसमें एक वैरायटी ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हो सकते हैं, उसमें टिपिकल क्विंचिंग है और केस हार्डनिंग के जो प्रोसेस हैं वो भी हो सकते हैं, और ये बहुत रेलेवेंट है फॉर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। हमने इस ऑटोमोटिव एग्जीबिशन में आए हैं अपनी हीट ट्रीटमेंट प्लांट को और उसकी कैपेबिलिटीज़ बताने के लिए, शेयर करने के लिए टू आर पोटेंशियल कस्टमर्स विच कैन बी इन द ऑटोमोटिव सेक्टर और अदर रेलेवेंट सेक्टर्स। तो चिनाब इंजीनियरिंग जो है वो सीमलेस सोल्यूशन प्रोवाइड करती है हर तरह की मेटल पार्ट्स, स्मॉल पार्ट से लेके बड़े पार्ट्स तक, 1 टन तक के साइज़ के पार्ट्स तक को डील करती हैं और हीट ट्रीटमेंट करती हैं। इसमें सारे हीट ट्रीटमेंट के प्रोसेस जो है ना वो अंडर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट हम करते हैं। सर चिनाब इंडस्ट्री जो है इस वक्त पाकिस्तान में आपकी किस जगह पे, इसकी जो शॉप है या आप ऑनलाइन काम करते हैं इसके बारे में बताएं? जी चिनाब बेसिकली फैसलाबाद बेस्ड कंपनी है और हमारा हीट ट्रीटमेंट का प्लांट जो है वो फेडमेक में बेस्ड है। तो फेडमेक फैसलाबाद सिटी से तकरीबन 40 किलोमीटर आउटसाइड टूअर्ड्स लाहौर जो है वो साइयों वाला जो इंटरचेंज है उसके आस पास है, तो यहाँ से प्रॉबेबली 1.5 आवर की ड्राइव है। आप ये जो हीट ट्रीटमेंट सर्विस दे रहे हैं ये आप मुझे इसके बारे में बताएं कि ये अपने खास कस्टमर को देते हैं? जी हम तो ओपन टू मार्केट हैं, इसमें हमारे रेगुलर कस्टमर्स भी होंगे जिनके साथ हम बिजनेस कर रहे हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर आए हैं ताकि मज़ीद जो कस्टमर्स है वो भी उनको भी अपना कैपेबिलिटीज़ उनके साथ शेयर करें, ताकि वो अगर हमारे साथ बिजनेस में आना चाहते हैं तो हम जो है ना वो वेलकम करते हैं। और हम आप क्या कहते हैं कि ये बिज़नेस के हवाले से कैसा है पॉइंट ऑफ व्यू, आप बताएं कि इसमें इन्वेस्टमेंट अगर की जाए तो अच्छा इसमें बेनिफिट और प्रॉफिट मिल सकते हैं आपके पार्टनर को? जी हीट ट्रीटमेंट एक बहुत ही एक कहना चाहिए कि इन डिमांड प्रोसेस है
और इसकी ज़रूरत स्पेशली ऑटोमोटिव सेक्टर में बहुत ज़्यादा है। इस वक्त पाकिस्तान में और ख़ासकर लाहौर में और भी बहुत सारे प्लांट हैं, मगर इसके बावजूद जो वर्क लोड है वो इतना ज़्यादा है कि कई कई दिन तक इंतज़ार करना पड़ता है आर्डर प्लेस करने के बाद। तो इसमें जनाब की जो 1.5 टन कैपेसिटी की जो प्लांट है हीट ट्रीटमेंट की, दैट विल प्ले अ वेरी क्रूशल रोल कि हम जो वो मार्केट का एक बड़ा लोड जो है वो ऑफसेट कर सकते हैं और बड़े क्विकली जो है ना वो ऑर्डर को मीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट टॉर पे। थैंक यू। मेरे साथ मौजूद हैं सीईओ रियाज एंड सन्स के सीईओ, आज इनसे बात करते हैं मोहम्मद फैसल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। सर, इतना खूबसूरत आज सेटअप देके आपको क्या फील हो रहा है? एक्सपो सेंटर में आपने जो ये स्टॉल मुनकित किया है, इसकी क्या वजूहत हैं और क्या वजह है कि आप यहाँ पे जो हैं इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान में, आपको कैसी फीलिंग आ रही है इस वक्त यहाँ? ऐसा पाकिस्तानी में आज बहुत अपने आप को जो होता है ना हैप्पीनेस फील कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे इवेंट हो रहे हैं जिससे हमारे मुल्क की इकॉनमी डे बाय डे जो इंक्रीज़ हो रही है, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे इवेंट मजीद होने चाहिए जिससे हमारे मुल्क का नाम दुनिया भर के अंदर मजीद रोशन। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। और ये खाई पैंग नाम है, क्या नाम है, मुझे कुछ इसको प्रोनाउंस करके बताएँ कि लोगों को पता चले ये नेम वर्ड क्या है। काइपिंग एक्चुअली एक कंपनी है जो ऑयल टैंकर की एसेसरी बनाती है, जो मुख्तलिफ किस्म के टैंकर हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए ADR स्टैंडर्ड के हमने प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। जो आपने देखा होगा कि पहले जो उनसे टैंकर जो सा है वो जब हिट होते थे तो उसे बहुत सारी जाने जाएँ होती थी, तो ये ADR स्टैंडर्ड के अंदर पाकिस्तान में सबसे पहली चाइनीज़ कंपनी को हमने यहाँ पर जो सा है इंट्रोड्यूस करवाया काइपिंग के नाम से। और ये जो सा है ये पेट्रोल के टैंकों को सेव करती है कि इससे हादसा नहीं होते हैं और बहुत सारी जानों को बचाया जा सकता है। यानी कि ये ऑयल टैंकर है ये लोगों की ज़िंदगी को भी सेफ करती है, इससे हादसा नहीं होता है। ये ऐसा है कि ये तमाम ऑयल टैंकर जो हैं वो इससे सेफ रहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर हम यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चर करेंगे तो वो स्टैंडर्ड हमारे पास नहीं है कि जिससे हम इसको यहाँ पे प्रमोट कर सकें। सर, आप क्या कहना चाहेंगे हमारी आवाम को, पाकिस्तानी आवाम को, कि एक्सपो सेंटर में विजिट करने के लिए कैसे आएँ और किस तरह यहाँ पर अपना स्टॉल जो है वो बुक करवाएँ? देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारी कंट्रीज़ के यहाँ पे बूथ बने हुए हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि जब दुनिया से लोग यहाँ पर आए हुए हैं तो हमको भी चाहिए कि हम यहाँ पर आके उनको वेलकम करें और उनको ये शो आउट करें कि ये एक सिक्योर मुल्क है। और अलहमदिल्ला सिक्योर मुल्क है, आप देख रही हैं यहाँ पर हर किस्म की आज़ादी है, कोई किस्म यहाँ पर नहीं है। तो मैं तो कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर विजिट करें और आके अपने मुल्क को प्रमोट करें यहाँ पर। थैंक यू सो मच फैसल साहब, इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा, चलते हैं नेक्स्ट टॉक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं एक्सपो सेंटर में। एक्सपो सेंटर में बहुत सारे इंडस्ट्रियल और व्हीकल्स और पार्ट्स के तमाम जो है स्टॉल्स देखने के साथ साथ मुझे आज यहाँ पे एक बहुत ही डिफरेंट स्टॉल नज़र आया जिसका नाम है रेजिमेंट्स, और इनकी क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं इसके बारे में इनसे पूछ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अकमल। कैसे हैं आप? जी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे बताइएगा ये रेजिमेंट्स के क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं और ये जो कंपनी के मालिक हैं वो कौन हैं और ये कौन कब से चला रहे हैं आप? जी, ये सुनील साहब का ब्रांड है, पाकविज के ओनर सुनील मंच का। हमने इसमें फ्रेगरेंस लॉन्च की हैं और स्किन केयर भी है, शैम्पू भी हैं, और इसके अलावा हेयर वैक्स, हेयर मास्क, ये भी चीज़ें हमने लॉन्च की हैं इस पर। ये सब के सब मेंस प्रोडक्ट्स हैं? ये सब मेंस की आइटम है। अच्छा, और मुझे ये बताएं कि तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं वो हर्बल हैं या एंटीबायोटिक, मतलब कि जैसे कि वाइटनिंग की होती हैं तमाम प्रोफेशनली, आप मुझे बताएंगे इसके बारे में? नहीं, ये वाइटनिंग की नहीं है बेसिकली, ये हर्बल भी नहीं है, और इसमें शैम्पू आ जाते हैं, शैम्पू तो हेयर के प्रोडक्ट है, उसके अलावा फेस वॉश है हमारे पास और सन ब्लॉक। अभी यहाँ से आप कोई मुझे एक अच्छा सा परफ्यूम बताएं, उसकी प्राइस क्या है, स्टार्टिंग क्या है? इस तरह है ये वाली के फ्लेवर, ये है परफ्यूम का, और हमारे पास आए हैं आपका। वैसे मैं ये भी पूछूंगी आपका बेसिकली अपना स्टोर कहाँ पे है? ये ऑनलाइन अवेलेबल। जी, मुझे ये बताएं कि आपकी जो शॉप है वो किधर है? जी, अभी शॉप नहीं है हमारी, हमारा ऑनलाइन अवेलेबल है और मार्केट में हम लॉन्च कर रहे हैं प्रोडक्ट्स डिफरेंट स्टोर्स पे। अच्छा, ऑनलाइन है, वेरी गुड। तो मुझे ये बताइएगा ये जो परफ्यूम है, बहुत प्यारी बॉटल है इसकी, ये रिव्यू है, सिग्नेचर परफ्यूम है सुनील साहब का, ये 9900 से स्टार्ट होता है, ये ऊद में आ जाता है। ओके, और नेक्स्ट वाला, ये वाला, ये ट्रांसमिशन है, इसकी प्राइस है 8800, ये थोड़ा सिट्रस में है इसका फ्रेग्रेंस। जी, ये बहुत प्यारा सीरम मुझे लग रहा है, ये एंटी बियर्ड, यानी कि आपकी बालों की जो फेस की दाढ़ी होती है उसको बढ़ाने के लिए, कि रिफ्रेशमेंट करने के लिए, भी है और अच्छा ग्रोथ भी करता है बालों की। और ये वाला मास्क के साथ, ये हेयर मास्क है आपको। अच्छा, और ये फेस वॉश है? जी, यानी एक्नी लीक फेस वॉश है। ठीक है, देखें माशाल्लाह इनकी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा
हार्मफुल भी हैं और यूज़फुल भी हैं, लेकिन हार्मफुल तो नहीं होनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगी कि भाई अच्छी बात है कि मेंस को भी फैशन करना चाहिए और साथ साथ अपनी स्किन को भी निखारना चाहिए, और फैशन के हवाले से भी देखा जाए तो बहुत बेस्ट ये आपके लिए एक ऑप्शन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट और पर अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, साथ ही बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती।